कोटा में बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। अदालत परिसर में स्थित लाल चौक में हुए समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेंद्र पुरोहित और निवर्तमान सांसद ओम बिरला ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। समारोह में नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक मित्तल, महासचिव योगेंद्र मिश्रा और उपाध्यक्ष हरीश शर्मा सहित पदाधिकारी ने शपथ ली। इससे पहले समारोह के दौरान निवर्तमान कार्यकारिणी के साल भर के लेखा जोखा और सामाजिक कार्यों का विवरण पेश किया गया। समारोह में विधायक संदीप शर्मा, मदन दिलावर और कांग्रेस नेता पंकज मेहता के साथ में पूर्व अध्यक्ष मनोज पुरी, महासचिव जितेंद्र पाठक और उपाध्यक्ष आतिश सक्सेना के साथ में कई अधिवक्ता मौजूद रहे। सबसे पहले मैं हमारे अभिभाषक परिषद के वरिष्ठ अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता एवं बहनों को बहुत बहुत साधुवाद और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को चुनकर के एक बड़ी दायित्व दिया है। और आज मेरी जो कार्यकारिणी है, हम लोग सब बहुत आशान्वित हैं कि हमको जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर भेजा गया है उस दिशा में हम काम करेंगे। हमारा जो प्रमुख कार्य रहेगा वो एडवोकेट के वेलफेयर का प्रमुख कार्य रहेगा। वकीलों का काम वकालत करने का है। हमें सरकार, देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।